गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले आपने एल्गी के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद अपने ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, ठीक है, और उनकी क्लासिफिकेशंस। आज आपने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। जिम्नास का मतलब होता है नीड, ये मैंने आपको पहले भी बताया। स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ये सीड्स जो होते हैं ये नीड होते हैं, ये दे आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन दी फ्रूट, ठीक है, इनमें फ्रूट नहीं बनता है। जिम्नोस्पर्म्स वो वैस्कुलर प्लांट्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन एक्सपोज्ड सीड से होती है। आइकलर ने इनको फेनेरोगैम्स में रखा था। इनमें 83 जेनरा होते हैं और 12 फैमिलीज हैं और 1080 इनमें लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट हैं। किन में? जिम्नोस्पर्म्स में। उसके बाद अगर हम के हैबिटेट की बात करेंगे तो ये लार्ज सरफेस पे रहते हैं अर्थ के, ये जीरो फिटिक कंडीशंस में रहते हैं, ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है ना, डेजर्ट कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता है, इक्वेटोरियल रीजन में रहते हैं, इक्वेटर के नज़दीक जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट्स में होते हैं ये। अच्छा, हाई अल्टीट्यूड पे भी ये ग्रो करते हैं। ये लिथोफाइट्स होते हैं। लिथोफाइट मतलब जो दोज प्लांट्स विच ग्रो ऑन रॉक और स्टोन, ठीक है, जो पत्थरों पे ग्रो करते हैं उनको लिथोफाइट्स बोलते हैं। ऐसे सामोफाइट्स क्या होते हैं? जो सैंड में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। ये इन हैबिटेट इनकी डिफरेंट होती है जिम्नोस्पर्म्स की। अगर न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये सिम्बायोटिक भी होते हैं, मीन म्यूचुअल इनकी एसोसिएशन भी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनमें क्या बनते हैं, इनमें कौन बनते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम स्ट्रॉबलाई बोलते हैं। दो टाइप ऑफ कौन बनते हैं जिम्नो, एक होता है पोलन कौन, ठीक है, और दूसरा होता है ओवुलेट। पोलन कोन जो होता है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें, और ओवुलेट कोन्स मींस जिसमें एग्स होते हैं। आप देखो यहाँ पे एक है लाइट ब्राउन और दूसरा पिंकिश रेडी जैसा कलर है, ओवुलेट कोन है जिसमें एग्स होते हैं, और पोलन कोन में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये स्पोर्स बनाते हैं। एक होते हैं माइक्रोस्पोर जो कि मेल होते हैं, और मेगास्पोर मींस फीमेल पार्ट, ठीक है। ये कब बनते हैं? ये स्पोरोफिटिक जनरेशन में बनते हैं। अच्छा, इसमें जिम्नोस्पर्म्स में टॉलेस्ट ट्रीज भी आते हैं और बहुत ओल्डेस्ट ट्रीज भी आते हैं इनको। हाँ, स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सीड बेयरिंग होते हैं। इनमें नीडल लाइक सुई जैसे लीव्स होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं, और इनमें ट्रेकीज भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वेस्कुलर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रेकीज किन के एलिमेंट्स हैं? जाइलम के, ठीक है। अगर हम इनके अब जनरल कैरेक्टर्स ही चल रहे हैं तो हैबिट और हैबिटेट इसमें भी देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म्स एवरग्रीन होते हैं, पेरिनल ट्रीज होते हैं, ठीक है। ये हर्ब्स इसमें बहुत कम होता है, जैसे एक हर्ब ये है जिसमें जामिया पिग्मिया आता है, ये है जिम्नोस्पर्म है, लेकिन ये क्या है, हर्ब है। प्लांट्स जो है इनका साइज वेरी करता है, स्मॉल हर्ब से लेके लार्ज ट्रीज तक इनमें आते हैं। जैसे सिक्वेसिम परवरेंस है, ये वो जिम्नोस्पर्म है जो सबसे बड़ा टॉलेस्ट लिविंग प्लांट है। कहाँ? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जो है वो है सिक्वेसिम परवरेंस, ठीक है। इसकी हाइट होती है 366 फीट। इसको हम कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें स्मॉलेस्ट जो जिम्नोस्पर्म है, अगर कहीं पे ऑब्जेक्टिव आता है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज जामिया पिग्मिया, ठीक है। ये क्या है? इट्स द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड इट्स हाइट्स अबाउट 35 सेंटीमीटर एंड द लार्जेस्ट टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इन द वर्ल्ड इज सिक्वेसिम परवरेंस, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज अबाउट 366 फीट। अगर नेक्स्ट हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इफ यू सी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, एंड द रूट्स
द प्लांट्स डेवलप दे आर द टैप रूट सिस्टम, ठीक है, रूट्स दे फॉर्म द सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द एल्गी, अदर एल्गी और फंजाई. स्टेम इज इरेक्ट, एरियल, सॉलिड एंड सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है. लीव्स शो डाइमॉर्फिज्म, मीन्स डाइमॉर्फिज्म मतलब दो डिस्टिंक्श इसके फॉर्म्स होते हैं, या तो ये फॉलेज लीव्स होते हैं या तो ये स्केली लीव्स होते हैं, ठीक है. फॉलेज लीव्स क्या होते हैं, दे आर द ग्रीन होते हैं, सिंपल होते हैं, नीडल लाइक होते हैं, ग्रीन होंगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है. स्केली लीव्स जो होते हैं माइन्यूट होते हैं, मेम्ब्रेनस, छोटे, ब्राउन होते हैं और डेसिड्यूस मीन्स जो गिर जाते हैं. स्केली लीव्स का फंक्शन क्या है, ये प्रिवेंट करते हैं एक्सिल को, एक्सिलरी बर्ड को जो कि एक्सिल ऑफ लीफ में प्रेजेंट होता है, ये बर्ड को प्रोटेक्ट करता है. बर्ड क्या करता है, बर्ड से नया प्लांट बनता है, तो ये बर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. कौन से लीव्स, ठीक है, डाइमॉर्फिक होते हैं लीव्स, फॉलेज लीव्स, और दूसरे कौन से होते हैं, स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं. टैप रूट सिस्टम होता है, इसमें स्टेम इरेक्ट होती है, एरियल होती है, सॉलिड और ब्रांच या अनब्रांच होती है. सिम्बियोटिक एसोसिएशन इसकी अलगी से रहती है, जैसे कि साइकस में रहती है, और इनकी जिम्नोस्पर्म्स की दूसरे फंगस से रहती है, जैसे पाइनस में रहती है, ठीक है. तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स का, तो जाइलम में ट्रैकिड्स और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, इसमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं. याद रखोगे जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं. और फ्लोएम होता है सीव ट्यूब्स, और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, लेकिन उसमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं. आप याद रखोगे अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स को, तो वेसल्स एब्सेंट होते हैं और कंपेनियन सेल्स भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है. अच्छा, अगर रिप्रोडक्शन देखेंगे हम जिम्नोस्पर्म्स में, तो वो दो टाइप, एक तो होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है विद हेल्प ऑफ बल्बिल्स. बल्बिल्स क्या होते हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ये नया, जब ये कहीं गिरते हैं तो वहाँ से नया प्लांट तैयार होता है. बल्बिल, हाँ, बल्बिल्स क्या होते हैं, कभी कभी ये फूड और वाटर को भी स्टोर करते हैं, जैसे कि ऑनियन में आप देखते हैं ना, वो भी बल्ब भी है, उसके थिक लीव्स होते हैं. ये किस लिए होते हैं, उनमें स्टोरेज रहती है वाटर एंड फूड की, वो भी बुलबिली होता है. या इसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स से, बर्ड्स जो होते हैं वही स्टेम पे डेवलप होते हैं. कहाँ पे, एक्सिल में. एक्सिल मतलब जहाँ पे स्टेम और वो एंगल जो होता है, ठीक है ना, स्टेम और लीफ के बीच में वहाँ पे डेवलप होता है बर्ड, जिसको हम एडवेंटिशियस बर्ड बोलते हैं. वो भी जब कहीं गिरता है तो वहाँ से फिर नया प्लांट बनता है, उसको हम फॉर एग्जांपल जैसे साइकस में, ठीक है. ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप याद रखेंगे बल्बिल्स एडवेंटिशियस बर्ड से होती है. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जिम्नोस्पोर्स हटीरोस्पोर्स होते हैं. हटीरोस्पोर्स का मतलब आपको पता है, दो टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं, एक बनता है माइक्रो और दूसरे होते हैं मेगा, ठीक है. माइक्रो छोटे और मेगा बड़े, ठीक है. ओगैमस भी आपको पता है क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप होता है, एक बड़ा होता है फीमेल का और मेल का जो होता है वो छोटा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना. तो अगर हम जिम्नोस्पर्म्स में देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं कहाँ पे, कॉन्स के ऊपर, ठीक है. प्लांट्स या तो मोनोइशियस होते हैं या तो डाइशियस. मोनोइशियस माइनस में होता है और डाइशियस साइकस में होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स में ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है. पाइन्स की अगर हम बात करेंगे तो जो ग्रीन लीफी पार्ट होता है प्लांट का वो स्पोरोफाइट होता है, और कोन जो होता है उसमें मेल और फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट होता है. मेल कोन्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और फीमेल कोन्स बड़े होते हैं, मेल कोन्स छोटे होते हैं. और वो कहाँ होते हैं, टॉप ऑफ ट्री पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और जो स्मॉल मेल कोन्स होते हैं वो ट्री के लोअर लेयर, हम बोल सकते हैं फीमेल कोन ऊपर होते हैं, मेल कोन नीचे होते हैं, ट्री के लोअर रीजन में प्रेजेंट होते हैं. जब भी पोलन गिरता है मेल कोन से तो वो कैसे ब्लो हो जाता है, कैसे जाता है, वो फीमेल कोन के पास विंड के जरिए, ठीक है. इससे क्या होता है, जिम्नोस्पर्म सेल पॉलिनेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेल वाला पोर्शन रीजन नीचे होता है और फीमेल वाला को ट्री के ऊपर की तरफ होता है, इसलिए उसमें सेल पॉलिनेशन नहीं होती
हैं, ठीक हो। ये देखो आप, जैसे ये ट्री है, स्पोरोफाइट है, इस पे फीमेल कोन्स भी हैं, अपर ब्रांच में लगती हैं, ठीक है। वहाँ पे पोलन उन पे कहाँ से आती है, विंड से जाती है। मेल कोन जो होती है वो लोअर ब्रांच में प्रेजेंट होती है। देखो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये फीमेल कोन का स्ट्रक्चर और मेल कोन का स्ट्रक्चर दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, पोलन ट्यूब से, पोलन ग्रेन से क्या निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है। फिर वो कहाँ जाती है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है और डिप्लॉयड जायगोट बनता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मेल कोन जो होता है उसमें सेंट्रल एक्सिस होती है जहाँ पे ब्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रैकेट्स मींस मॉडिफाइड लीफ होते हैं। देखिए ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए ये हैं, दीज आर, ये जो पार्टीशंस हैं ये सब क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है। और यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं, कहाँ पे, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरंजियम होता है और माइक्रोस्पोरंजियम, ये देखिए ये माइक्रोस्पोरंजियम है, इसके अंदर डेवलप होते हैं क्या, माइक्रोस्पोर्स। फिर वहाँ पे जाके माइक्रोस्पोरंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोसाइट्स बोलते हैं उनको, वो मियोसिस से डिवाइड होते हैं और चार हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनाते हैं, और चार हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनते हैं। फिर उनमें माइटोसिस होती है, माइक्रोस्पोर दो न्यूक्लियस बनाता है, एक जनरेटर ट्यूब बनाता है और एक ट्यूब से न्यूक्लियस बनाता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो मेल गैमेटोफाइट मींस जो पोलन होता है वो कहाँ से जाता है, मेल कोन से जाता है, विंड से, कहाँ की ओर, फीमेल कोन की ओर। आप सिंपली याद रखोगे मेल गैमेटोफाइट कहाँ बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर, वहाँ अंदर माइक्रोस्पोरंजियम होता है, उसी के अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट्स बनता है, माइक्रोस्पोरोसाइट सेल डिवाइड करते हैं मियोसिस से और बनाते हैं चार माइक्रोस्पोर। फिर आगे माइटोसिस होती है माइक्रोस्पोर के अंदर, फिर से दो न्यूक्लियस बनते हैं, एक जनरेटिव होता है और एक ट्यूबलर न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। फिर मैच्योर होके पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट से रिलीज होता है और कहाँ जाता है, फीमेल कोन की और जाता है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो भी मेगास्पोरोफिल में प्रेजेंट होता है। ये मेगास्पोरोफिल जो होता है फीमेल कोन में मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, ये देखो मेगास्पोरोफिल जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं मेगास्पोरंजियम, मेगास्पोरंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल्स क्या करते हैं, यही डिवाइड करते हैं मियोसिस से और बनाते हैं चार हैप्लॉयड मेगास्पोर्स। चार हैप्लॉयड मेगास्पोर्स जब बनते हैं, मेगास्पोर एक मेगास्पोर डिवाइड करता है और फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है और अदर जो बाकी के होते हैं वो डिवाइड करते हैं और बाकी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, वो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ प्रेजेंट होता है, आर्चिगोनियम के अंदर। आर्चिगोनियम के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, मेगास्पोरोफिल मींस मेगास्पोरोफिल फीमेल गैमेटोफाइट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं जब वो रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये जो फीमेल कोन पे पोलन ग्रेन आता है एक्सटर्नल एजेंसी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। अच्छा, ये आपने पहले भी पढ़ा है कि जो पोलन ग्रेन होता है उसमें ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल होता है, ट्यूब सेल पोलन ट्यूब बनाता है और वो क्या करता है, जनरेटिव सेल जो होता है वो कहाँ की तरफ जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट की ओर, कहाँ से, माइक्रोपाइलर एंड से। फिर एक साल लगता है पोलन ट्यूब को ग्रो करने में और फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ जाने को, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट जो होता है उसमें जनरेटिव सेल होता है, वो दो सेल बनाता है, दो स्पर्म न्यूक्लिया बनाता है, एक फ्यूज़ करता है एग के साथ, दूसरा डीजनरेट हो जाता है। आप क्या याद रखोगे, जनरेटिव सेल ट्यूब सेल ट्यूब बनाता है और जनरेटिव सेल जाता है पोलन ट्यूब से आगे की ओर जहाँ वो डिवाइड करता है और दो स्पर्म न्यूक्लिया बनाता है, एक एग के साथ फ्यूज़ करता है,
जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट डिवाइड करता है और वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। और फिर तब क्या होता है, जो कोन की स्केल्स होते हैं वो बंद रहते हैं जब भी डेवलपमेंट होती है सीड की। जब सीड को बाहर से किसकी कवरिंग होती है, सीड कोट की, ठीक है। सीड कोट जब सीड डेवलपमेंट हो जाती है, सीड डेवलपमेंट को 2 साल लगते हैं कंप्लीट होने। जैसे ही सीड रेडी हो जाता है, जो इसके बाहर वाले ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट मीन जो इसको बाहर से कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो खुल जाते हैं और वहाँ से सीड का डिस्पर्सल होता है। लेकिन इसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती है क्योंकि इनमें कवरिंग नहीं होती है। किन में कवरिंग नहीं होती है, जिम्नोस्पर्म्स में। आप देख सकते हैं कि, देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगी, स्पोरोफाइट जो होता है इसमें मेल एंड फीमेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मेल का पोलन ग्रेन गिरता है फीमेल पे, तो फीमेल में क्या बनता है, ये देखिए पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाता है। यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस बनता है। ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब बनाएगा तो जनरेटिव न्यूक्लियस आता आगे जाता है, वो 2 सेल्स बनाता है, 2 स्पर्म न्यूक्लियस बनता है। एक स्पर्म जो है वो ओव्यूल के साथ फ्यूज करता है और वो क्या बनाता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, ठीक है। फिर आगे आगे क्या होता है, जैसे ही पोलन ट्यूब जो है माइग्रेट कर देती है क्या, पोलन को कहाँ की ओर, फीमेल गैमेटोफाइट डिप्लॉयड जाइगोट वहाँ पे जाके बनता है। डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है, उसके बाद वो एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। और ये ब्रैकेट्स में तब तक रहता है जब तक यहाँ पे ये सीड पूरी तरह सीड, यहाँ पे सीड नहीं बनेगा, जाइगोट मतलब सीड। जब वो सीड कंप्लीट हो जाती है डेवलपमेंट, बाहर से सीड कोट बनता है, ऊपर इसको कवरिंग रहती है ब्रैकेट्स की, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो इसके स्केल्स जो हैं, ये दिख रहे हैं आपको स्केल्स, ये गिर जाते हैं और सीड जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। ये क्योंकि ये फ्रूट के अंदर नहीं रहते हैं, फिर से सीड डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर नया मैच्योर ट्री फिर से तैयार होता है। फिर से ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहती है, ठीक है। सीड तब तक रहता है जब तक वो कम्प्लीटली डेवलपमेंट उसकी नहीं होती है, किसकी, सीड की। जैसे ही सीड डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, सीड डेवलपमेंट को 2 साल लगते हैं। सीड जब डिस्पर्स हो जाता है तो ब्रैकेट गिर जाते हैं और डिस्पर्स हो जाता है, इसमें फ्रूट बनता नहीं है, ठीक है। बाकी अंकल पढ़ेंगे, थैंक यू।